हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का फेवरेट पिज्जा, बट कौर देसी तड़का स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में और झटपट से और जल्दी से चुटकियों में बनने वाला बना रहे हैं आज हम पिज्जा ऑमलेट। पिज्जा ऑमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बटर, पिज्जा सॉस, वेजीज में मैंने यहाँ पर कलरफुल बेल पेपर, मशरूम और स्लाइस्ड अनियन ले लिया है। साथ में ही यहाँ पर मैंने गार्लिक को ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था, एक टेबलस्पून गार्लिक भी है। यहाँ पे ब्रेड लिया है, मोजरेला चीज है, मोजरेला चीज को भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। साथ में ही मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं। मसालों में यहाँ पर ज्यादा मसाले नहीं चाहिए हमें, सिर्फ नमक, काली मिर्च, साथ में ये लाल कुटी हुई मिर्च और ड्राई ऑरिगैनो। ड्राई ऑरिगैनो से यहाँ पर पिज्जा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जनरली हम लोग देखते भी हैं कि ऑरिगैनो के बिना पिज्जा इनकम्प्लीट है। तो आइए पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑमलेट पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 3 अंडों को तोड़ लिया है बाउल में। अब हम इसमें नमक, काली मिर्च और साथ में ये थोड़ा सा जो क्रश्ड रेड पेपर था, ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने करना है तो करिए, नहीं तो नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। आइए इसको अच्छे से फेंट लेते हैं इन अंडों को। ऑमलेट पिज्जा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और उसको ब्रश से अच्छे से सारे पैन को उस ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस, पिज्जा ऑमलेट बनाने का प्रोसेस आपको लो फ्लेम पर ही कंप्लीट करना है, इसकी फ्लेम हाई नहीं करनी है। अब ये घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जो अंडे फेंटे थे हमने वो ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑमलेट एक साइड से तो पक गया है थोड़ा सा, बट अभी एक साइड से कच्चा है, तो इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। फिर अब हम इस बाकी स्टेज के बाद हम इसमें ब्रेड्स ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एग पक चुका है बट थोड़ा थोड़ा कच्चा भी है, तो अब हमें इस स्टेज पर अपने ब्रेड स्लाइसेस को ऐड करना है इसमें, इस पे आराम आराम से रखना है। अब इस स्टेज पर, नेक्स्ट स्टेज पर हमने जो बटर लिया था उसमें जो हमारा लहसुन कद्दूकस किया हुआ था वो ऐड करके मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इस बटर और लहसुन को ब्रेड पर कोट करेंगे अच्छे से। अब आप देख सकते हैं कि हमने ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर बटर और लहसुन को कोट कर दिया था अच्छे से। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑमलेट एक साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हम इस स्टेज पर इसमें 2 टेबलस्पून पिज्जा सॉस ऐड करेंगे और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पिज्जा सॉस स्प्रेड हो गई है। अब हम इस पे हल्का हल्का मोजरेला चीज ऐड करेंगे। अभी इस स्टेज पे हमें थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज्यादा नहीं करना है। ये करने के बाद हम यहाँ पर वेजीज को लगा देते हैं, सेट कर देते हैं। वेजीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या और कैसा खाना पसंद करते हैं। आप इसमें जलपीनोज कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पिज्जा के ऊपर अच्छे से सारी स्लाइसेस और वेजिटेबल्स को कोट कर दिया है। अब हम इस पे मोजरेला चीज स्प्रेड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मोजरेला चीज भी अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब मैं इस पर क्रश्ड रेड पेपर और थोड़ी सी ड्राई ऑरिगैनो भी ऐड करूंगी। है ना, देखने में बहुत ही टेस्टी और यमी। अब जो हमारा बटर बच गया था थोड़ा सा, उसको मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से साइड पे, पैन के साइड्स पे कोट कर देती हूँ ताकि वो नीचे ब्रेड स्लाइसेस को भी अच्छे से पका दे।
अब हम इसको ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि मोजरेला चीज मेल्ट ना हो जाए। अब हम एक बार लिड को उठाकर देखते हैं कि ये चीज मेल्ट हो रहा है। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि ये चीज अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम और 2 से 3 मिनट इसको ढककर पकाएंगे ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। आइए फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर हो चुकी है इसको रखे हुए। अब हम देखते हैं, आप देख सकते हैं मोजरेला चीज वेजीज कलरफुल, कितना ये पिज्जा कितना कलरफुल लग रहा है। अब ये बनकर बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पर हम लोग अपना फ्लेम, गैस फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिज्जा ऑमलेट बनकर रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और ये देखिए, ये पैन से इजीली निकल भी गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, झटपट से बनने वाला, चुटकी में बनने वाला, झटपट भी नहीं चुटकियों में बनने वाला पिज्जा ऑमलेट। आइए अब इसको कट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिज्जा ऑमलेट बनकर बिल्कुल रेडी है। इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और आप देख सकते हैं कि मैंने अब इनको स्लाइसेस में भी कट कर लिया था। और मोजरेला चीज आप देख सकते हैं, यम्मी, कितना मेल्टेड मोजरेला चीज है। अब मैं वेट नहीं कर सकती इसको कि मैं और रखूँ। बिल्कुल एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। आई होप आपको भी मेरी ये डिश अच्छी लगेगी और आप इसको घर पर जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर वॉचिंग लेटेस्ट न्यू वीडियोस। थैंक यू।